लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सीएम हाय हाय, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। वर्मा जी, अगर हमारा बच्चा नहीं मिला तो खून बहेगा सड़कों पर। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। वर्मा जी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। वर्मा जी, अगर हमारा बच्चा नहीं मिला तो जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा। सर, सर जुलूस उग्र रूप धारण कर सकता है अगर इन्हें नहीं रोका तो। उन्हें रोको गोड़बोले, बैरिकेड नहीं टूटना चाहिए। सर योर वाइफ, आपकी पत्नी राधा जी जुलूस लीड कर रही है, अगर आप उन्हें समझा बुझा के अलग कर दें तो हम लोग भीड़ कंट्रोल कर लेंगे। जुलूस कोई भी लीड कर रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। My orders are to stop them. अगर बैरिकेड टूट गई तो तुम्हारे खिलाफ शो कॉज नोटिस इश्यू किया जाएगा। You may go. पुलिस प्रशासन, प्रोसीड। सर, अगर हमारा बच्चा नहीं, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। हमें सीएम से मिलना है। आप में से कोई भी दो लोग अंदर आ जाइए। नहीं, हम सब मिलेंगे। मैडम, सारी भीड़ अंदर नहीं जा सकती। आप में से कोई भी दो लोग अंदर आ जाइए। बच्चों के मसले को लेकर ही जरूरी मीटिंग चल रही है। मीटिंग से ज्यादा जरूरी हमारे बच्चों की जिंदगी है। बाके को रिहा करो। हमारा बच्चों को रिहा करो। हम सब मिलेंगे। आप लोग रुक जाइए, कोई ऐसी हरकत मत कीजिए वरना पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ेगी। तोड़ दो बैरियर। रुक जाइए, चार्ज। तुम तो साला मुंह छुपा के खड़ा। तुम यहाँ कैसे? अरे बहुत छोड़, हम कैसे आया? अरे हम तो तुम्हारा पूजा करता था, तुम ईमानदार पुलिस वाला, लेकिन तुम तो साला नेता लोग का पुलिस वाला निकला। देखो देखो कैसे साला मुंह छुपा के खड़ा, साला डरपोक। उधर देख, उधर देख, हमारा राधा बाबा को तुम्हारा पुलिस वाला कैसा मारता है। ये राधा जी, और तुम किसका प्रमोशन करता है? वो नेता लोग का, वो सीएम तुम्हारा कौन लगता है? कुछ नहीं। अरे हमारा अपना बच्चा लोग अपना जान का बाजी लगाकर उसका जान बचाया, और हमारा बच्चा लोग का जान अभी खतरा में तो आना बोलता है। अरे वो बाकी सीएम का कौन लगता है? कुछ नहीं। वो ट्रैक्टर के सीएम का कौन लगता है? कुछ नहीं। वो सीएम तुम्हारा कौन लगता है? कुछ नहीं। अरे कैसा बाप है दादा, लगता है मीनू तुम्हारा औलाद नहीं, तुम सारा पुलिस वाला छक्का ही छक्का। मुखर्जी, रुक जाओ रणवीर। I say stop it! Stop it! I say. क्या हो रहा है? ए, अभी कुछ नहीं हुआ सीएम, लेकिन अगर हमारा बच्चा लोग वापस नहीं आया तो बहुत कुछ होगा। अरेस्ट हिम। करोगे सीएम? किस किस को? इसे, इन्हें, मुझे, आखिर किस किस को? तुम्हारी हथकड़ियां कम पड़ जाएंगी सीएम, लेकिन हम कम नहीं होंगे। यह सिर्फ धमकी नहीं है सीएम, ये जनता की आवाज है, उस जनता की आवाज जिनकी वोटों के बदौलत तुम सीएम बने हो। लेकिन इन बिचारों को उसका सिला क्या मिला? डंडे, लाठियां। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम चाहते हो कि हम घुटने टेक कर तुमसे अपने बच्चों की जिंदगी की भीख मांगे? अरे ये कुछ नहीं कर सकते श्यामलाल जी, ये तो अपने वायदे, विश्वास और मजबूरी के चक्रव्यूह में जनता को फंसा देते हैं। सुनो सीएम, इन्हीं लोगों में उन बच्चों के माँ बाप भी हैं जिन्होंने तुम्हारी जान बचाई। अरे उन बच्चों ने तो एक पल भी नहीं सोचा, अपनी जान की बाजी लगा दी तुम्हें बचाने के लिए। और वो बच्चे अपने माँ बाप से दूर भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, और तुम उनकी जान बचाने के बजाय इस जद्दोजहद में उलझे हो
कि अगर कहीं तुमने ब्लैक ड्रैगन की डील मान ली तो तुम्हारी कुर्सी हाथ से ना चली जाए। लानत है तुम पर सीएम, लानत है। खामोश, बहुत हो गया, जितना बोलना था बोल लिया आप लोगों ने। मेरे प्यार, मेरे विश्वास की जितनी धज्जियां उड़ानी थी उड़ा दी आप लोगों ने, लेकिन मैं अपने और आपके बीच के विश्वास के बंधन को टूटने नहीं दूंगा। अगर इन बचे हुए 15 घंटों में सेंटर ने ऑर्डर न दिया तो मैं अपनी रिस्क पर बाके और उसके साथियों को जेल से छुड़ाऊंगा और ब्लैक ड्रैगन की डील पूरी करके बच्चों को वापस लाऊंगा, भले इसके लिए मुझे अपनी कुर्सी क्यों ना छोड़नी पड़े। सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद, सीएम जिंदाबाद। चलिए मेरे साथ। पड़ गई कलेजे में ठंड, अब तो बिल्कुल पड़ गए। डीसीपी रणवीर की दर्दनाक मौत और अखबार का यह जला हुआ टुकड़ा इस बात की तरफ संकेत करता है कमिश्नर साहब कि डीसीपी रणवीर को जरूर मैडम गौम से कोई ऐसा पुख्ता प्रमाण मिल गया होगा जो उसे पुलिस की मदद के बिना ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ने से रोक ना सका। आखिर वो पुख्ता प्रमाण क्या था, पता लगाना जरूरी है। सिवाय इस जले हुए अखबार के हमें कोई प्रमाण नहीं मिला सर। हाँ, मैडम गोम जरूर बता सकती थी। लेकिन वो तो आप इस दुनिया में नहीं रही। यस सर। व्हाट डू यू मीन बाय यस सर? यस सर कहने से काम नहीं चलेगा कमिश्नर साहब। आखिर ये पुलिस कर क्या रही है? एक जाम आज अफसर हम खो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम बच्चों को भी खो दें। सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ तक कि D5 डिटेक्टिव के विद्यार्थी भी मीनू की डिवाइस के जरिए उन विद्यार्थियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सर, PM साहब ऑन द लाइन सर। साथियों को ब्लैक ड्रैगन ने कहां छुपा के रखा है? हाँ अनु, मैंने तो सारा गुजरात से छान मारा। पापे, मैंने तो यूपी, बिहार, दिल्ली सभी स्टेट छान मारे। मैंने तो सारा साउथ ढूंढ डाला, समझ में नहीं आता उन्हें कहां। मैंने तो पहले ही कहा था कि वो किसी बंद जगह पर है या फिर मीनू डिवाइस ले जाना भूल गई है। वो तो है ही भुलक्कड़, फिर तो पता लगना ही मुश्किल हो जाएगा। यस अंकल। मिल गया, मिल गया, मिल गया। सोनू, ये देखो सिग्नल। सोनू, इसे क्लोज में तो ले। अंकल, ये देखो, समुद्र के बीचों बीच कोई फोर्ट है। इसे जरा क्लोज में करना। Yeah.
कोसम कलम कोसम लै कैवनम कलम 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 कोसम कलम कोसम लै कदम बोसम कदम बोसम 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 ये कदम बोसम का है डरेगन साहब ये तो सब ठीक है पर चीफ मिनिस्टर का अभी तक कौनो मैसेज नहीं आया 72 घंटे पूरे होने को अभी 12 घंटे बाकी हैं जोश में मत आओ होश में रहो अगर 12 घंटे के बाद बाकी नहीं छूटा तो हर दो दो घंटों के बाद दो दो बच्चों की लाशें सीएम को तोहफे के तौर पर भेजना शुरू कर दो फिर तो उसे हमारी डील डांगे की राजनीति भी यही कहवे है अरे तुम चुप रहो बुढ़बक अरे ऐसे बुढ़े को समझाओ भाई चुप कर बोले तो ये बच्चों के साथ सुंदरी कौन है सो ये बोनस है इसके तो ड्रैगन साहब बोनस तो ढेर जोरदार है क्यों ना इस बंद किले में हंगामा हो जावे अरे तुम चुप रहो बुढ़बक हमारा भाई जेल में बंद है और तुम हंगामा का बात करते हो अरे बुद्धि का बात करो अभी तो 12 घंटे बाकी है भाई योर ऑनर राइट राइट तो वो है सो जब हमने इसे किडनैप किया था तो बड़ा जलवा दिखाई थी ड्रैगन साहब मैं यूं कहूं था शराब भी है सबाब भी है ना क्यों ना जलवा हो जावे लॉलिटो कैप्टन लॉलिटो ये बाजू ये बाजू या अच्छा का बच्चे लाइन से भाई वही बोला कम कम ये हम कहाँ फंस गए निकल रहे थे बाहर ये तो जंगल है हाँ प्रिया कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब हम लोग क्या करें चलो बस ले लो लाइन सफारी कुछ लो बच्चे लाइन सफारी में अरे वो आदमखोर शेर है बच्चों को खा जाएंगे यो कुछ करिए ड्रैगन साहब कुछ करिए जाओ बच्चों को बचाओ डॉन यस बॉस अंदर जाके तुम्हें बच्चों को बचाना है चाहे उसके लिए तुम्हें शेर को गोली क्यों ना मारनी पड़े अगर तुमने बच्चों को बचा लिया तो ब्लैक टाइगर खुश होगा तफरी दो मीनू वो देख वो आदमी किंग अंकल को मार रहा है अच्छा अभी सबक सिखाती हूँ लाइन लाइन चुन लिया ये शेर अंकल आप तो जंगल के राजा हो ना आप तो हमारी मदद करोगे ना प्लीज शेर अंकल प्लीज शेर अंकल मैं आदमी तो लायन तू लिया था गार्ड को लायन ने मार दिया अरे ड्रैगन साहब अगर बच्चों को कुछ हो गया तो हमारा भाई तो जेल में हमेशा हमेशा के लिए सड़ जाएगा कुछ करिए जाओ उन बच्चों को बचाओ चाहे वो शेरों को गोली मार दो लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए जाओ जाओ भागा दौड़ी काहे की मचा रखी है लाइन चुतिया था कमोन रन रन गो इनको भागने दे फिकर मत कर तेरा तलाक मैं करवा के रहूंगा फिर शादी में करके रहूंगा लाइन चुतिया था कमोन जो शेर के हाथ आ गया लाइन चुतिया था कमोन शेर शेर लाइन चुतिया था
तूने मुझसे गद्दारी की, तेरी सजा मौत है। अरे वफादार तो तब होता जब उसे नमक खिलाया होता, उसे तो फिक का घोष खिलाया तुमने। उसे क्या मालूम है मुझसे गद्दारी करेगा, ये तो ढेर सारा नमक खिला देता था। रॉकेट लॉन्चर दे। जा भाई जा। नहीं तो उसका तरबूज फोड़ दूंगा। ले भाई टांग तेरी तो। जय हिंद। सर हमने चारों तरफ से घेरा डाल दिया सर। गुड। ब्लैक ड्रैगन, तुम्हारी शर्त के मुताबिक मैं रुपए और बांके को ले आया हूं। विद्यार्थियों को छोड़ दो। भाग्य विधाता जय हे जय।